हे यो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कल मैं गया था बारादरी। बारादरी एक पुरानी कदीम जगह है, जहाँ पर जाकर तो मज़ा आता है, पर देख के उसको ज़रा थोड़ा खौफ ही आता है। तो आज की स्टोरी मैं आपको सुनाऊँगा बारादरी की, तो थोड़ी डेंजर भी है, थोड़ी दिल घबराने वाली भी है, तो देखिएगा ज़रूर। को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ सिनेमैटिक्स तो बनते हैं ना, तो सिनेमैटिक्स देखिए जरा। तो आपका भाई इंदर आ चुका है बारादरी के, जैसा मैंने सोचा था यहाँ पर उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छे सीन है। तो मैंने सुना था कि यहाँ पर व्यू तो बड़ा प्यारा है, मतलब कि इनकी छत पे बहुत प्यारा फनकारी हुई है, पर हमारी पाकिस्तानी वहाँ पर उनकी फनकारी जाते रहे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फरीहा की शादी हो गई, तो आगे आप पढ़ ही सकते हैं भाई। मैं पढ़ नहीं सकता। ये जो लोगों ने बातें लिख दी हैं, उफ, जैन देख के दिल घबरा गया। मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है यार, ये अदनान भाई तो पता नहीं रोज़ रोज़ शायद कुछ लिख जाते थे। तो मैं आपको बता दूं कि बारादरी जिनकी है उनका नाम था नादरा बेगम, जो कि दारा शिको की बीवी थी, और इनको मियां मीर साहब से बहुत अकीदत थी। तो ये लोग चाहते थे कि हमारी कब्र मियां मीर के मज़ार के पास ही, बिल्कुल पास ही बने। इस पूरी इमारत को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया कि आप जहां से भी जाएं, जिस तरफ से भी जाएं, चारों कोनों से आपको ये कब्र ही नज़र आएगी, और इसके चारों तरफ ऊपर की तरफ से भी नीचे की तरफ से भी रोशनदान है, जिससे ये रोशनी अंदर आती है, और हवादार है, जिससे हवा बाहर अंदर जाती है, जिससे ये कब्र। यहाँ पर तो काफ़ी हैवी सीन है, आप देख सकते हो कि जहाँ पर भी जाओ आपको यही सीन नज़र आएगा कि यहाँ पर आके फिर भी ये आ जाती है कब्र। ठीक है, वापस जाओ फिर ये कब्र। वो सीढ़ियाँ मतलब ऊपर जाने का रास्ता। ओके, और जब हम ऊपर गए तो ऊपर के तो सीन से कुछ और थे। जब हम ऊपर गए तो हमें मजदूर ऊपर आने ना दें, कहते हैं कि यार ऊपर काम हो रहा है, तो हमें ऑर्डर्स नहीं है कि हम किसी को ऊपर आने दें और इस चीज़ की शूटिंग करने दें कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। तो खैर, हमने जब उनको बताया कि हम कौन है, तो उन्होंने कहा चलो भाग जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं, उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया हमें कि यार हम आपका ही तो वेट कर रहे थे। एक आखिरी चीज़, ये जो फाउंटेन आप देख रहे हैं, ये जब पहले चलते थे तो ये बहुत ही कमाल का मंजर पेश करते थे, पर अब तो लोग इसके अंदर क्रिकेट खेलते हैं, जुआ खेलते हैं,